क्या आप सोच सकते हैं कि मात्र 30 पैसे में भरपेट भोजन मिल जाए, लेकिन ऐसा हो रहा है। जमशेदपुर के टाटा कैंटीन में महज 30 पैसे में पेट भोजन मिल रहा है और यह कहा जा रहा है कि विश्व की किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कंपनी में ऐसी सुविधा नहीं मिलती और हर दिन 15,000 कर्मचारी भोजन का लाभ लेते हैं। मात्र 30 पैसे के इस भरपेट भोजन में मिलता है चावल, दाल, दो तरह की सब्जी, पापड़, दो केला, सलाद, दही और मिठाई। मात्र 30 पैसे में इसी तरह नाश्ते में नमकीन पूड़ी, प्याजी, लड्डू, हलवा, चने की सब्जी, कचौड़ी और आलू की टिकिया, यानी हर आइटम केवल 6 पैसे में। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स की कैंटीन है। यहाँ हर दिन करीब 15,000 कर्मचारी भोजन का लाभ लेते हैं। इनमें सभी तरह के कर्मचारी हैं, अस्थायी और स्थायी। 4,500 कर्मचारी ऐसे हैं जो ठेके पर हैं। कहा जा रहा है कि विश्व की किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कंपनी में इस तरह की सुविधा कभी नहीं मिलती। टाटा मोटर्स की यह कैंटीन 64 सालों से कारपोरेट जगत में कर्मचारियों के लिए सस्ता भोजन परोस रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भोजन के लिए 60 पैसे यानी हर महीने में 20 रुपए चुकाना पड़ते हैं, शेष को सिर्फ 30 पैसे ही देना होते हैं। टाटा मोटर्स कंपनी का इतिहास यह है कि ये 1954 में स्थापित की गई थी और टाटा मोटर्स उसके बाद लगातार ऊंचाई पर चलती रही। यह भी बताया गया है कि टेल्को वर्कर्स यूनियन के महामंत्री स्वर्गीय गोपेश्वर द्वारा इस कैंटीन की पहल की गई थी और उनके बाद ही यह कैंटीन लगातार चलती रही। तो आज भी ये बेहद आश्चर्यजनक लगता है कि भारत जैसे देश में मात्र 30 पैसे में भरपेट भोजन, वह भी इतना स्वादिष्ट और इतनी सारी सामग्री के साथ। वाकई में यह टाटा मोटर्स में ही संभव है।